भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। अरे भैया, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। वाह रे मेरे नामदार, वाह। जिसके पिताजी ने बोफोर्स घोटाले के दलाल को भगाया, भोपाल गैस कांड के आरोपी को भगाया, ना ना वो चोर थोड़ी ही है। जिसकी सरकार में कोलगेट, कॉमनवेल्थ, आदर्श सोसाइटी, नेवी लिंक कांड जैसे अरबों खरबों के ऐतिहासिक घोटाले हुए हैं, वो तो देवमानुष है भैया। पर जिसने 15 साल के बतौर सीएम और 4 साल के बतौर पीएम के करियर में कभी 5 रुपए भी नहीं लिए, तो वो चौकीदार आज चोर है। वाह रे मेरे नामदार, वाह। नीरव मोदी की कॉकटेल पार्टी में गुलछर्रे उड़ाने वाला और माल्या के किंगफिशर प्लेन में फ्री के ऐश करने वाला खानदान तो देशभक्त है ना। पर जिसकी 90 साल की माँ आज भी ऑटो रिक्शा में ट्रेवल करती है, वो चौकीदार चोर है। जिसकी सरकार में इन नीरव मोदी और माल्या को हजारों करोड़ के लोन बांट दिए, ऑफ कोर्स फेवर्स के बदले, तो वो चोर लुटेरे को खड़ा करने वाले चोर नहीं हैं, पर उन्हें वापस लाने के लिए दुनिया भर में कड़ा शिकंजा कसने वाले हमारे चौकीदार चोर है। वाह रे मेरे नामदार, वाह। नामदार बाप ने जैसे बोफोर्स में कमीशन खाया, वैसा कमीशन रेफेल में नहीं मिला। तो जिसने 10-10 साल तक एक प्लेन नहीं खरीदा, पूरे देश की सुरक्षा दांव पर लगाई, अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर में पैसे खाए, सेना को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, वो तो भाई साहब सबसे बड़े देश प्रेमी लोग हैं। पर जिसने आते ही सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट दिलाए, वन रैंक वन पेंशन दिलाई, राफेल विमानों का